मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भिमंडी में एक 45 साल के सुखदेव किरदत्त नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद खलबली मच गई। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद अगर मौत हो जाए तो सवाल उठने लगते हैं। भिमंडी के कामत घर स्थित भाग्य नगर के कोविड सेंटर में मंगलवार को 45 साल के सुखदेव किरदत्त ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लिया। टीका लेने के बाद कोविड सेंटर में ही एक जगह ये आराम से जाकर बैठ गए। करीब 15 मिनट गुजरने के बाद सुखदेव को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गए। हालात को देखते हुए उन्हें भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे आरोग्य विभाग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना से मौत हो रही है और ऐसे में कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन ले रहे हैं, और अगर वैक्सीन लगाने के बाद मौत हो जाए तो लोगों के दिलों में काफ़ी भय बैठ जाता है। मगर सुखदेव की मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही इनकी मौत हुई है। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीन लेने के बाद ही सुखदेव की मौत हुई है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कारभारी खरात ने क्या पूरी जानकारी दी है, सुनिए। एम्बुलेंस पर जो ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल के वैक्सीन लेने आए थे, उनका पहला डोज वैक्सीनेशन का एक महीना पहले हुआ था। उस वक्त उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ था। सेकंड डोज के लिए वो आज आए थे। सेकंड डोज आज उन्हें दे दिया गया। उनका पूरा चेकअप डोज देने के पहले किया गया था। तो चेकअप में ये मालूम पड़ा कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी सालों से थी और उसके लिए वो गोलियां लेते रहे हैं। ब्लड प्रेशर के दूसरे कुछ लक्षण भी उनके बॉडी पर दिख रहे थे, कि जैसे कि पैर पर सूजन थी। लेकिन यहाँ पर जब उनका बीपी चेकअप किया गया तो बीपी नॉर्मल था, सब उनका ऑक्सीजन नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, इसलिए उनको सेकंड डोज दिया गया। डोज देने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया। वहाँ पर करीबन 15 मिनट वो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे थे। उसके बाद उनको चक्कर आया और चक्कर आने की वजह से वो गिर गए। वहाँ के जो हमारे मौजूद डॉक्टर थे ड्यूटी पर के, उन्होंने वहाँ पर उनको इमीडिएट जो इमरजेंसी इलाज करने की कोशिश की, और ऐसा होने लगा कि इनको अभी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। एक तुरंत वहाँ से IGM हॉस्पिटल में लेकर आए खुद, और उस वक्त डॉक्टर उनके साथ में थे।